एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह मेरे व्यूवर्स की एनर्जी होगी मेरे राइट साइड में और आपके पर्सन की एनर्जी होगी मेरे लेफ्ट साइड में। तो इमेजिन कीजिए अपने पर्सन को जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को देख सकते हैं। शुरू करते हैं गाइस, ये है आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की एनर्जी। आपकी तरफ वी हैव जजमेंट, हर्मिट, हैंगडमैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। जजमेंट एंड जस्टिस दोनों आपकी तरफ आया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आज के दिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ न्याय होने वाला है। कंप्लीशन की एनर्जी है विद योर पर्सन। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो न्याय की एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठे हैं कि मेरे पर्सन कब वापस आएंगे, कब उनके साथ मेरा यूनियन होगा, कब मेरी बातचीत होगी, कब हम दोनों एक होंगे, ये वाली एक्सपेक्टेशंस हैं और आप चाहते हैं जल्द से जल्द ये चीज़ें हो जाएं। तो आप न्याय की उम्मीद करके बैठे हैं, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ ओवरऑल एनर्जी में है फोर ऑफ सोर्ड्स। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। आपका ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, हीलिंग की एनर्जी है, आपने खुद को हील किया है, अपने आप को मजबूत बनाया है, बट कभी ना कभी कोई ना कोई टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं। आपको लगता है कि मैं चाह कर भी मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं चाह कर भी मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मेरा पर्सन अगर कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा या नहीं कर रही, उसके बावजूद मेरे दिल से उसके लिए जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो बाहर क्यों नहीं जा रहे, मैं क्यों नहीं अपनी भावनाओं को चेंज कर पा रहा हूँ या चेंज कर पा रही हूँ, ये वाली एनर्जी है। हो सकता है आप में से कई लोगों को प्रपोजल्स भी मिल रहे हों, दूसरे रिश्ते भी आ रहे हों, बट आप फिर भी अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं और आप स्टक फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में अटके हुए हैं बुरी तरीके से और बहुत टाइम से अटके हैं। ऐसा नहीं कि कुछ महीने हुए हैं या कुछ दिन हुए हैं, ज़्यादातर लोग काफ़ी टाइम से वेटिंग एनर्जी पर हैं। आपको ये उम्मीद है कि आपके पर्सन प्लान करेंगे और आपकी तरफ आ जाएंगे, एक होप है आपके अंदर, और आप भी यही चीज़ प्लान कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके पर्सन के साथ यूनियन हो जाए, जल्द से जल्द आपका पर्सन आ जाए। कई लोगों को ये भी लगता है कि आपके रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है। हो सकता है आपका रिश्ता बहुत मजबूत रहा हो और सडनली चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई हों। बिल्कुल आइसोलेटेड हैं काफ़ी लोग आज के दिन में, बहुत ज़्यादा अकेलापन आपको फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अकेले रहने की आपकी एनर्जी है कि आपको भीड़ अच्छी नहीं लग रही। आपके घर में अगर मेहमान आ जाएं तो आप कहीं कोने में जाकर बैठ जाते हैं, आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। थोड़ी सी लोअर एनर्जी है आज के दिन मेरे पर्सन मेरे व्यूअर्स की, और यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि आप कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं। आपने अपने आप को एक डेडलाइन दे रखी है कि हाँ, इस तारीख तक या इस महीने तक अगर मेरे पर्सन से यूनियन नहीं होता है तो मैं ये करूँगा या ये करूँगी, मैं आगे बढ़ जाऊँगा या मैं डिसाइड कर लूँगा अपनी लाइफ में क्या करना है। इस तरह की कुछ एक डेडलाइन आपने दी हुई है अपने आप को कि हाँ, मुझे इतना ही वेट करना है, इसके बाद मुझे वेट नहीं करना है, और इसके बाद अगर मेरा पर्सन आ भी जाता है तो शायद मैं एक्सेप्ट ना करूँ। तो ऐसा भी कुछ लोगों ने मन में सोच लिया है। सो ये एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट कर रही हो तो ही लीजिएगा, बिकॉज आज के दिन यही एनर्जी है, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में होते हुए भी हैप्पी हैं। काफ़ी लोग कांटेक्ट में हैं बट हैप्पी नहीं हैं, अनसेटिस्फाइड हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कांटेक्ट में है ज़रूर, लेकिन अभी भी आपके मन में दुविधा है, आपके मन में अभी क्लैरिटी नहीं है, आप वेटिंग एनर्जी पर ही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा तो नो कांटेक्ट में ही थे, कांटेक्ट में होके भी बात नहीं हो रही। कुछ लोग बहुत निराशा वाली एनर्जी है, वाइब्स है, बिकॉज फोर ऑफ सोर्ड्स है कलेक्टिव एंड यहाँ से थ्री ऑफ पेंटिकल्स है विद हर्मिट, हैंगडमैन की एनर्जी है। मतलब एनर्जी में ही ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैप्ड हैं, आपकी भावनाओं को आप अच्छे से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और चीज़ें जो हैं रुकी हुई हैं, और ये जो चीज़ें रुकी हुई हैं ये आपको भी रोकने की कोशिश कर रही हैं और आप रुकना नहीं चाहते।
आप अंदर से चाहते हैं कि आप ना रुकें, लेकिन आप मजबूरन रुक रहे हैं, ये वाली वाइब्स हैं। पर्सन के हालचाल, पहला ही कार्ड एट ऑफ वॉन्ट्स, तो अगर नो कॉन्टैक्ट है तो आपके पर्सन भी बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। देन वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से है टू ऑफ वॉन्ट्स विद फाइव ऑफ वॉन्ट्स, एंड ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। आज के दिन आपके पर्सन फेमिनिन एनर्जी में होंगे या होंगी, ज़्यादातर आप फेमिनिन एनर्जी में होते हो, आप इमोशनल होते हो, आप चेज़ करते हो, आप उनकी भावनाओं को जानते हुए भी चेज़ करते हो। पता चला आपके पर्सन ने बोल दिया कि मेरे को तुमसे बात नहीं करनी, उसके बाद भी आप उनसे प्यार करते हो। आपके पर्सन ने अगर बोल दिया कि यार ये ब्रेकअप हो गया, सब ख़त्म, ब्लॉक कर दिया, उसके बाद भी आप उनके लिए वेट करते हो, उनके लिए इंतज़ार करते हो। अभी इस वक्त आपके पर्सन फेमिनिन एनर्जी में है, मतलब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं या हो रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर इमोशनली सोच रहे हैं, लॉजिकली नहीं सोच रहे, मतलब दिल से सोच रहे हैं, दिमाग से नहीं सोच रहे आज के दिन में। और ये भी नज़र आ रहा है कि इनको भी इंतज़ार है, ये भी सब्र नहीं कर पा रहे हैं, ये भी आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। पास्ट में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई इनसे गलती हुई है, तो इसका पछतावा भी है, ये सफरिंग में है, ये नहीं चाहते कि और सफ़र करें, ये जल्द से जल्द आपसे बातचीत करके पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गलती बड़ी है, जैसे इन्होंने आपको धोखा दिया है, या आपके होते हुए भी इन्होंने किसी और से बातचीत करी है, किसी और के साथ रिश्ता रखा है, इस तरह की वाइब्स है, या कमिटमेंट देकर मुकर गए हैं, तो धोखे की एनर्जी है, झूठ बोला है कोई, जिसके बाद इन्हें डर लग रहा है कि अब मैं आ तो जाऊं बट चीज़ें ठीक होंगी क्या, कहीं आप से झगड़ा ना हो, कहीं आप इनको ब्लेम ना करें। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन यूनियन चाहते हैं, और इस यूनियन में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, कोई ना कोई है जो नहीं चाहता आप दोनों एक हों। और यहाँ पर ये एनर्जी है बिकॉज वी हैव गॉट एट ऑफ वॉन्ट्स विद टू ऑफ कप्स, तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन आज वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन रिटर्न आ जाती हैं या आ जाते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो आज के दिन कुछ लोगों के पर्सन का कोई सामान या कोई कुछ उनका गायब हो सकता है, चोरी हो सकता है। ट्रैवल की एनर्जी है यहाँ, एट ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पे डिस्टेंस को दर्शा रहा है, ट्रैवल को दर्शा रहा है, तो किसी तरह की ट्रैवलिंग आपके पर्सन आज के दिन कर सकते हैं। प्लस इनको आज के दिन में कोई बैड न्यूज़ भी रिसीव हो सकती है, या इनके घर में किसी से कलह हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इस तरह की वाइब्स हैं। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी आप दोनों की। इसके बाद मिलते हैं बड़े रीडिंग में, टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।